दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स। दोस्तों हम आपको बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें हमने तीन क्वेश्चन बताए थे तीन टाइप के। आज हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसमें कुछ और नई चीज़ आप सीखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है F5 cot theta is equal to 3. F5 cot theta is equal to 3. Find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta plus 3 cos theta। दोस्तों ये जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक के सवाल हैं, आप एनसीईआरटी बुक के सवाल लगाइएगा, उनमें से जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। दोस्तों हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो कुछ नहीं आएगा वो सब कुछ हम बताएंगे, बस आप मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमारे दो दो चार चार वीडियो एक साथ हो जाए तब आपको मिले तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त टाइम होना चाहिए। तो देखो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एक इसमें कुछ नई चीज़ आप सीखेंगे। F5 cot theta is equal to 3, find the value of, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू में बतानी है। तो सबसे पहले दिमाग आप जो दिया है उस पर लगाइए 5 cot theta। अब इसमें अगर हम 5 को यहाँ से हटा दें, sense 5 cot theta is equal to 3, तो अगर इसमें हम cot theta की वैल्यू निकालें तो cot theta is equal to आएगा 3/5। cot theta की वैल्यू मालूम हो गई, और cot theta का हमने एक आपको फार्मूला बताया था cos अपॉन sin। तो अगर इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं sin और cos ही लिखा हुआ है, और cos अपॉन sin का मान cot theta होता है cos अपॉन sin। तो अगर sin से नॉमिनेटर यानी अंश में, डिनोमिनेटर यानी हर में हम डिवाइड कर दें sin से, तो sin अपॉन sin 1 हो जाएगा, cos अपॉन sin cot आ जाएगा, sin अपॉन sin 1 हो जाएगा, cos अपॉन sin cot आ जाएगा। तो यहाँ दोनों cot आएगा और cot की वैल्यू भी मालूम है, रखेंगे और हल कर लेंगे। देखिए हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ए स्क्वल टू 5 साइन थीटा, साइन थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे के अपॉन में 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, 100% नहीं 200% क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इसमें भी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इसमें बचा क्या, इसमें 5 बचा, माइनस 3 आया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा अपॉन 4 ऐसे आया, प्लस आया 3 ऐसे आया, कॉस अपॉन साइन की जगह में कॉट थीटा आया। अब देखिए यहाँ भी काट है और यहाँ भी काट है, इन दोनों काट की वैल्यू हम रख लेंगे, 5 माइनस 3 इंटू काट थीटा का मान 3/5 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू काट थीटा का मान 3/5। अब देखिए इसके बटे 1 मानेंगे एलसीएम लेंगे, इसमें बटे 1 मानेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम का हमने आसान तरीका बताया था कि जो नीचे दोनों में लिखा हो उसका इंटू कर लो, इसमें 1 है इसमें 5 है, इंटू करेंगे 5 आएगा, जो दूसरे के नीचे लिखा है इसका पहले में इंटू होगा, 5 का 5 में इंटू होगा 25 आएगा, माइनस 1 का इधर इंटू होगा 9 आएगा, इसमें एलसीएम लीजिए इसमें भी एलसीएम 5 आएगा, 5 का 4 में इंटू 20 आएगा, 1 का 3 3 जा 9 आ जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। इसमें हम आगे हल करेंगे, 25 में 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा अपॉन 29 आएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई, यही इसका आंसर हो गया जो आपका क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसी प्रकार यहाँ पर अगर टेन का मान दिया होता सेम यही क्वेश्चन होता, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो
तो हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए, और भी कहीं दिक्कत हो बताइएगा, हम बताएंगे आपको। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos C। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक राइट एंगल है, राइट एंगल आप जानते हैं जो जिसका एक कोण 90 होता है, एक ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल हमने बना लिया जिसका एक एंगल 90 है। अब देखिए 90 कौन सा कह रहा है, कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, ये बी है तो एक हमने इसको ए मान लिया और एक को हमने सी मान लिया, तो ABC एक राइट एंगल हो गया जिसमें एंगल बी इज 90। अब देखिए मैं साइड कौन कौन सी दी है, AB का मान 7 दिया हुआ है, ये AB है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। आगे कह रहा है AC माइनस BC, यानी AC ये है और BC ये है, यानी अगर AC में BC को घटाएं तो 1 आता है। तो अगर हम BC का मान X मान लें, BC की जगह पे यहाँ X रखें, तो इस X को इधर ले जाएंगे तो AC का मान क्या होगा, 1 प्लस X, तो AC का मान आ गया 1 प्लस X। तो दोस्तों ये सवाल भी हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, X की वैल्यू निकलेगी, और जब X की वैल्यू निकलेगी तो उसे हमें बेस, अगर एंगल हम सी लेते हैं तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस होगी, तो बेस और हाइपोटेनस आ जाएगा, उससे हम दोनों मान निकाल लेंगे। देखिए इसे हम राइट एंगल निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि X का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 1 प्लस X स्क्वायर प्लस 2X, 1 प्लस X स्क्वायर प्लस 2X, 7 का 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें X स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 को आप इधर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2X इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2X इज इक्वल टू 48, तो X इज इक्वल टू 48 बाई 2, तो X इज इक्वल टू 24 आ गया, तो X की वैल्यू 24 आ गई, तो हमें पता चल गया कि BC की वैल्यू कितनी आई, 24 आई, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, एक ऐड हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ओके हम इसे साइड में लिख दे रहे हैं, ये 24 आ गई और 24 में 1 जुड़ेगी तो 25 आ जाएगी। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उस पर ध्यान देंगे, साइन सी और कॉस सी का मान बताना है, यानी एंगल हमें सी लेना है, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने की भुजा हाइपोटेनस होती है, और जो बची वो बेस होती है, यानी ये पी हो गई लंब परपेंडिकुलर, ये बी बेस आधार हो गई, ये हाइपोटेनस एच या कर्ण हो गई। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन सी का, साइन का सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये साइन सी की वैल्यू निकल आई। अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस सी इक्वल टू कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, बेस कितना दिया हुआ है 24 है, तो ये 24 अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेनस 25, ये आंसर निकल आया। तो दोस्तों देखिए कितना आसान सवाल है, देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा, जैसा सवाल में दिया हो वैसा आप करते जाइए, जो कह रहा है उससे विपरीत आपको नहीं करना है कुछ, ना कुछ अपना अलग से दिमाग लगाना है, जो दिया है वो करना है, तो इसको आप समझ लीजिए कैसे क्या है। दोस्तों आपने आज दोनों क्वेश्चन समझे होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो आप पहली एक्सरसाइज पूरी लगा सकते हैं, पहली पूरी एक्सरसाइज लगाइएगा, अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को दोबारा फिर से बता दूंगा, और अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो अगले दिन हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो दोस्तों इतने क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को, जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ, और समझ में आ रहा है तभी भी आप बताएँ ज़रूर, जिससे कि हमें पता चले कि आपको समझ में कितना आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक यू, नमस्कार।